दिवाली सुबह 8 से 10 के बीच में कुछ अनाउंसमेंट होने वाली हैं और फैंस रेडी रहिए, दिवाली पर धमाका होगा। यस अपने फैंस के लिए दिवाली और भी ग्रैंड करने में लगे हुए हैं। देखिए अभी तक यस ने चुप्पी साध रखी थी उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, लेकिन उन्होंने कहा है भाई दिवाली सुबह 8 से 10 के बीच में कुछ अनाउंसमेंट होने वाली हैं और फैंस रेडी रहिए, दिवाली पर धमाका होगा। तो भाई हमने भी थोड़ी खबर वबर फैलाई, थोड़ा रिसर्च किया कि आखिर क्या क्या इनके प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या होने वाला है। तो उनमें से कुछ खबरें पक्की हैं तो कुछ शायद वाला है। तो एक बार वीडियो को पूरा देख ले और जान ले क्या सच्चा है क्या झूठा है। देखिए बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं केजीएफ 3 के अनाउंसमेंट के बारे में, तो मैं आपको बता दूं भैया इतनी मेरी गारंटी है 2023 में आपको केजीएफ 3 देखने को नहीं मिलेगी, 2024 में आपको केजीएफ 3 देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रशांत नील कम्प्लीटली पैक है। सलार 2, उसके बाद रामचरण के साथ उनकी एक मूवी है, फिर बघीरा में उनमें काम करना है, और ये तीन फिल्में भाई उनकी 2 साल तो लेंगी ही लेंगी, उसके बाद केजीएफ पे काम होगा। अब बात करें कि एक एस शंकर के प्रोजेक्ट के साथ, एस शंकर को आप नहीं जानते तो मैं बता दूं ही इज द वन जिन्होंने रोबो 2.0, आई, RC-15 जैसी मूवीज डायरेक्ट करी हैं, बहुत खतरनाक डायरेक्टर हैं। तो वो यस के साथ प्रोजेक्ट बना रहे हैं 800 करोड़ रुपए के बजट के साथ, जिसमें यस एक नेवी ऑफिसर होने वाले हैं। दूसरी चीज, बहुत से लोग उम्मीद कर रहे हैं गूगली के बारे में, तो भाई सुनने में आया है शायद आपको गूगली का भी दूसरा पार्ट देखने को मिल जाए, तो ये वाली खबर भी आपके दिवाली धमाका में हो सकती है। थर्ड थिंग भाई, जो महेश मांजरेकर हैं, संजय लीला भंसाली हैं, वो टीम अप बना रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, और उसमें जो पहला नाम है वो आपका आ रहा है नन अदर देन यस का। तो शायद एक ये प्रोजेक्ट हो सकता है, इन तीनों में से ही कुछ अनाउंसमेंट आपको मिलेगी। बाकी यहाँ तक आने के लिए आपको बहुत शुक्रिया, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द, दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बाय बाय।